तू कन्या ऐसी कठोर तपस्या, मैं तो तीर्थाटन के लिए निकला इस मार्ग से जा रहा था। तुम्हारे जैसी कोमलांगी तरुणी को ऐसी कठोर तपस्या करते देख आश्चर्य। किंतु कन्या, ऐसी कठोर तपस्या साधना करके तुम क्या प्राप्त करना चाहती हो? मैंने कहा ना योगीराज, हमारी सखी भगवान शिव शंकर को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही है। शिव शंकर को उसे पति रूप में पाना चाहती है? रे 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 रे, मैंने तो सुना था कि हिमालय राज की पुत्री पार्वती बहुत ही बुद्धिमान है, विवेकशील है, परम विदुषी है, किंतु जो कुछ देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी तो मति मारी गई है, इसकी बुद्धि इसका साथ नहीं दे रही। आपका अभिप्राय क्या है योगीराज? स्पष्ट है मेरा अभिप्राय, पार्वती जैसी परम सुंदरी और विदुषी को ब्रह्मा विष्णु इंद्र कोई भी देवता सहज ही वरण कर सकते हैं, किंतु उन सब का विचार त्याग कर उस गुरु प्रभुधारी शमशान वासी की इच्छा मन में लेकर तपस्या करना तो सर्वथा मूर्खता है, अज्ञानता है कन्या। उस अघोरी के लिए तप करने की क्या आवश्यकता है? वो तो इंगित मात्र चरणों का दास बनकर रह सकता है। क्योंकि राज, आपसे ना तो किसी ने मार्गदर्शन मांगा है ना मंत्रणा, कृपा कर आप यहाँ से शीघ्र ही चले जाएं। अरे मैं तो चला ही जाऊंगा, मेरा तो कुछ भी हित अहित होने वाला नहीं, किंतु हाँ तुम्हारा हित इसी में है कि तुम अपने माता पिता के पास हिमालय पहुँच जाओ। कहा ना मैंने, मुझे आपका मार्गदर्शन नहीं चाहिए। मैं चाहिए अथवा नहीं चाहिए ये सोचना मेरा कार्य नहीं, मैं तो तपस्वी हूँ, योगी हूँ, जगत का कल्याण और परोपकार करना मेरा धर्म है, मार्ग से भटके हुए प्राणियों को सही मार्ग दिखाना मेरा कर्तव्य है। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। अरे ऐसे कैसे चला जाऊं, मैं तुम जैसी सर्वगुण संपन्न कोमलांगी सुंदरी का जीवन इस प्रकार नष्ट होते नहीं देख सकता। तुम्हें एक क्या अनेक योग्य वर बिना प्रयास किए ही प्राप्त हो सकते हैं, क्यों सर्वधारी के लिए अपना संपूर्ण जीवन स्वार्थ कर दे? जाओ लौट जाओ अपने माता पिता के पास और उस अघोरी के साथ विवाह करने का विचार अपने मन से त्याग। योगी, शिव निंदा का पाप किया है तुमने, मैं तुम्हें दंड अवश्य देती हूँ, किंतु तुम्हारी आयु के विचार ने मेरे क्रोध पर अंकुश लगा रखा है। शिव निंदा करना ही नहीं सुनना भी पाप है, मैं इस पाप में तुम्हारी सहभागी नहीं बनूंगी, इसलिए मेरे क्रोध की ज्वाला फूटने से दूर तुम यहाँ से चले जाओ। बहिष्कार करना चाहती हूँ पर ये मत भूलो कि वो शिव, ये शंकर तुम्हारा भोलेनाथ जिसे तुम पति रूप में पाना चाहती हो, इतना कुरूप है, इतना भयावह है, इतना अनखड़ है कि दक्ष प्रजापति ने इसे अपने यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया था, और तुम एक तिरस्कृत और बहिष्कृत के विषय में सत्य उजागर करने वाले को ही बहिष्कृत करना चाहती हो? ना 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 ना, तुम तो बुद्धिमान हो, तनिक मानी से कार्य करो। योगी राज, जब पार्वती को शिव निंदा सुनना अच्छा नहीं लग रहा तो आप क्यों वर्षा ऋतु की नदी के वेग की भांति धारा प्रवाह होने जा रहे हैं? नहीं बालिगे नहीं, शिव निंदा करना मेरा प्रयोजन है, मैं तो केवल सत्य उद्घाटित कर रहा हूँ, किंतु सत्य अप्रिय होता है, ये सत्य भी जग विख्यात है, पर विवश बाध्य हूँ हिमालय राज की पुत्री के हित में मुझे ये कटु सत्य उद्घाटित करना ही होगा। पर योगी राज, प्रिय अप्रिय किसी भी प्रकार का कटु सत्य हमारी सखी को नहीं सुनना। ना सुने, किंतु मुझे सत्य बोलने से कौन रोक सकता है? क्या ये सत्य नहीं कि वो चिता भस्म हरी झुंड के झुंड नाग अपने तन से लपेटे रहता है? क्या ये सत्य नहीं कि भूत प्रेत उसके साथी सहयोगी है? क्या ऐसा शिव पति और वृद्ध होने योग्य है?
हे मेरी माता, शिव निंदा सुनने से पूर्व मैं मृत्यु को क्यों न प्राप्त हो गई? सती की भांति अग्नि में क्यों न समा गई? ऐसी अघटित घटना को घटाने की क्या आवश्यकता? क्यों सदा मूर्तापूर्ण कार्य करने की प्रतिज्ञा कर रखी? मुझे मूर्ख कहने वाले अज्ञानी, तेरी बुद्धि भ्रष्ट है, तेरा तन मन कलुषित है। तुझे इतना भी ज्ञात नहीं कि इस संपूर्ण जगत में शिव से श्रेष्ठ और कोई भी नहीं? उनका ये रूप जिसकी तुमने चर्चा की है, वो तो एक लीला है, मात्र लीला। ये सृष्टि लीला से निर्मित और परिचालित है। तुम जैसे अज्ञानी ये विराट स्वरूप को कैसे जान सकते हैं? शिव के अनुग्रह से विष्णु विष्णुत्व को और ब्रह्मा ब्रह्मत्व को प्राप्त हुए हैं। मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ। तुमने निष्ठापूर्वक तपस्या कर ली, एक आदर्श नारी का आदर्श, साथ साथ शिव महिमा व्रत करके मुझे प्रसन्न किया। आज से यह व्रत नारी के स्वभाव की प्राप्ति और मनोवांछित प्रसन्न पाने वाला वारी व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। जगत में सदा तुम्हारे आदर्श का अनुसरण होगा। मैं तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति के लिए तुम्हारे राज से निवेदन करता हूँ। शिव हरो मृडो रुद्र है, पुष्कर है पुष्पलो अर्थ्यर्गम्य सदाचार शर्व शंभुर्महेश्वरः।